देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालात यह है कि उत्तराखंड के तकरीबन 82% पुलिस कर्मियों को सरकारी आवास की सुविधा नहीं मिली है। 27,000 पुलिस कर्मियों की जगह अभी केवल 5,000 से कुछ अधिक पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध हैं। यानी अभी लगभग 18% पुलिस कर्मी ही सरकारी आवास की सुविधा ले पा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय मानक 33% का है। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पुलिस कर्मियों की बंपर भर्ती हुई है। वर्ष 2006 से वर्ष 2012 तक बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती हुई। शुरुआत में तो आवासीय सुविधाओं को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी। कारण यह कि अधिकांश युवा पुलिस लाइन अथवा थाने चौकियों में रहते थे। धीरे धीरे इनके परिवार बढ़ने लगे, इससे युवा पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से बाहर निकलकर किराए के मकानों में रहने लगे। इसके साथ ही पुलिस महकमे में भी आवास के लिए आवेदकों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि एक अदद आवास के लिए पुलिस कर्मियों को बड़ी बड़ी सिफारिशें तक लगानी पड़ रही हैं। इसके बावजूद आवास मिलने की गारंटी नहीं है। आवास तब ही मिल पा रहे हैं जब इन आवासों पर काबिज कोई पुलिस कर्मी रिटायरमेंट के बाद इन्हें छोड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस इस दिशा में काम नहीं कर रही है। वर्ष 2014 से पहले इस दिशा में तेजी से काम हुआ। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत पहले पुलिस को इसके लिए 40 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे। इसमें अधिकांश राशि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होती है। योजना आयोग के भंग होने और नीति आयोग के अस्तित्व आने के बाद इस मद में पुलिस को बहुत कम पैसा मिल रहा है। इसके तहत पुलिस को अब केवल 10 करोड़ रुपए ही मिल पा रहे हैं। इस कारण फिलहाल आवास निर्माण का कार्य बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देखा जाए तो पुलिस कर्मियों को आवास मुहैया कराने के लिए कम से कम 1200 करोड़ रुपए से 1300 करोड़ रुपए चाहिए। मौजूदा हालात में इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। एडीजी प्रशासन राम सिंह मीणा ने बताया कि काफी बजट की आवश्यकता है। पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। ये अभी जब हमारा राज्य बना था तब जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो करीब 14% था। यानी कि 14% हमारे पुलिस बल था, उसके लिए आवास व्यवस्था थी। उसके बाद से पिछले 17 वर्ष में काफ़ी प्रयास किए गए। विभिन्न स्कीम थी भारत सरकार की भी, चाहे वो फाइनेंस कमीशंस हों या पुलिस मॉडर्नाइज स्कीम्स हों या राज्य सरकार ने, तो वो अभी काफ़ी प्रयास किया गया और काफ़ी आवास बैरिक्स बनाए गए और ये सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अब 18% करीब हो गया है। और 18 इसलिए भी है क्योंकि इसमें पुलिस बल की संख्या जहाँ पे पहले 12-13-14 हज़ार थी, वो ही बढ़ करके 27,000 हमारा पुलिस बल हो गया है। और उसके आधार पे 18% ये तो काफ़ी हमने आवास बनाए हैं, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीय प्रतिशत है वो लगभग 33% है जब दूसरे कई राज्यों में, तो उसके बराबर आने के लिए हमको और प्रयास करने हैं। उसके लिए हम लोग जहाँ भी मौका मिलता है कि आवास के लिए ज़मीन वगैरह जहाँ भी जिस जिले में मिले, पुलिस लाइन्स में मिले और कहीं से भी किसी भी स्कीम से पैसा मिले, यद्यपि अब फाइनेंस कमीशंस और जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम्स में पैसा मिलता था कंस्ट्रक्शन के लिए वो बंद हो गया है, लेकिन राज्य सरकार से हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि वहाँ से कुछ पैसा मिले और आवासीय सुविधाएं हमारे बढ़े। हमारा एम है, प्रयास है कि अधिक से अधिक हमारे कर्मचारी को आवास मिले, बैरिक्स मिले और जिससे कि वो अपने परिवार के साथ रह सके। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।